Students, now we will study about how the British did the conquest of Bengal. British ne Bengal par kis tarah se apna kabza kar liya. Jab Mughal Empire ka decline ho gaya, Mughal Empire ka patan ho gaya, to uske baad Bengal ek independent state ban gaya, jo ki nawabo ke dwara rule kiya jata tha. Matlab wahan ke raja ko nawab kaha jata tha. तो ब्रिटिश जो थे वो बंगाल को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, बंगाल के ऊपर कब्जा करना चाहते थे. क्यों? क्योंकि उस टाइम पर बंगाल एक बहुत ही रिच और बहुत ही फर्टाइल प्रोविंस थी और जो भी बंगाल पर राज करता था वो बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा होता था, ऐसा माना जाता था. तो इसीलिए वो बंगाल पर अपना कब्जा करना चाहते थे और इस कारण से वो नवाब ऑफ बंगाल जो थे उनसे लड़ाई उनकी हो गई. The Battle of Plassey, 1757. So, जब नवाब अली वर्दी खान, जो बंगाल के जो नवाब थे अली वर्दी खान, उनकी डेथ हो गई 1756 में, तो उनके बाद उनका जो सक्सेसर था, उनके बाद राजा बना उनका भतीजा सिराजुद्दौला, वो नवाब बना बंगाल का. उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो ब्रिटिश की बढ़ती हुई पावर को कंट्रोल कर पाए, वो इतना स्ट्रांग नहीं था. अब ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपनी जो फोर्ट विलियम, उनकी जो फैक्ट्री थी कोलकाता में, उसको उन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया. जो युद्ध के लिए जो किलेबंदी करते हैं वो करना शुरू कर दिया, जबकि नवाब ने उनको ऑर्डर दिया था कि वो अपनी किलेबंदी बंद कर दें, लेकिन फिर भी उन्होंने नवाब की बात नहीं मानी. ब्रिटिश जो थे वो टैक्सेस भी पे नहीं कर रहे थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा. उस टाइम ये तीनों मिलकर एक ही प्रोविंस हुआ करता था बंगाल नाम से. तो ब्रिटिश जो थे वो इन तीनों जगहों पर ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, लेकिन उसका टैक्स नवाब को नहीं पे कर रहे थे. तो सिराजुद्दौला ने फाइनली कंपनी को तीन चीजें करने को कही. सबसे पहली बात तो ये कि उसका जो डोमिनियन है, उसका जो राज्य था बंगाल का, उसका जो पॉलिटिकल अफेयर्स था उसमें इंटरफेयर करना बंद कर दे ब्रिटिश, ये मांग की. दूसरा था कि किलेबंदी करना, फोर्टिफिकेशन करना बंद करे. और तीसरा कि वो रेवेन्यूज, जो भी टैक्सेस थे उनके व्यापार के, उनके ट्रेड के, वो पे करे. लेकिन जब ब्रिटिश ने उनकी बात नहीं मानी तो फाइनली जो सिराजुद्दौला थे नवाब ऑफ बंगाल, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अपनी आर्मी निकाली और उन्होंने ब्रिटिश की जो फैक्ट्री थी कोलकाता में उस पर अपना कब्जा कर लिया. और साथ में ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे, जो वहाँ पर ब्रिटिश अफसर थे, उन्हें भी अपने कब्जे में ले लिया. तो कासिम बाजार में, जो कासिम बाजार नाम की एक जगह है कोलकाता में, वहां पर ब्रिटिश की फैक्ट्री थी, तो उस पर अपना कब्जा कर लिया. अब जब उसने ऐसा किया तो ब्रिटिश गवर्नर उस टाइम थे रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में, तो उन्होंने बंगाल को कैप्चर करने की, बंगाल के ऊपर कब्जा करने का प्लान बनाया. उन्होंने सिराजुद्दौला के जो दरबारी थे, जैसे कि मीर जाफर जो कि उसका सेनापति था, उसके साथ अपना उसने नॉट बांध ली, उसको अपनी साइड ले लिया. दूसरा था अमीर चंद जो कि नवाब का ट्रेजरर था, यानी खजाने की देखरेख करता था, पैसों की देखरेख करता था. तीसरा था जगत सेठ जो बंगाल में बहुत इम्पॉर्टेंट बैंकर था, यानी कि लोन वगैरह देने का काम करता था, साहूकार था. और बाकी जो रिच मर्चेंट्स थे जो पैसों की मदद दे सके, उनके साथ रॉबर्ट क्लाइव ने प्लान बनाया नवाब को मारने का. तो अब 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी आर्मी सिराजुद्दौला के खिलाफ खड़ी कर दी प्लासी के मैदान में. प्लासी एक जगह का नाम है बंगाल में. तो क्योंकि ये लड़ाई प्लासी के मैदान में लड़ी गई इसलिए इसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है. तो ये डेट थी जून 23, 1757. उसने नवाब के ऊपर इल्जाम लगाया कि नवाब जो है वो ब्रिटिश को छोड़कर फ्रेंच का साथ देते हैं और फ्रेंच की मदद कर रहे हैं कि वो ब्रिटिश को हरा दें, ऐसा उसने इल्जाम लगाया और लड़ाई छेड़ दी. तो क्योंकि उसने सिराजुद्दौला के बहुत सारे दरबारियों को, बहुत सारे लोगों को अपनी साइड मिला लिया था, तो मीर जाफर जो था उसने अपनी आर्मी को लड़ने ही नहीं दिया ब्रिटिश से, वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और युद्ध में उसने भाग नहीं लिया. तो सिराजुद्दौला बेचारा अकेला लड़ता रहा और बाद में लास्ट में उसकी आर्मी हार गई और उसे मार दिया गया. अब इस वॉर के क्या इफेक्ट्स हुए, क्या रिजल्ट हुआ इस वॉर का? मीर जाफर जो था उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन
वो सिर्फ ब्रिटिश के हाथों की कठपुतली था, जैसा ब्रिटिश कहते थे वो वैसा ही करता था, तो जो रियल पावर थी, जो असली पावर थी, वो ब्रिटिश के हाथों में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो गई। अब वो सिर्फ कंपनी नहीं रही जो व्यापार करती थी, बल्कि वो एक पॉलिटिकल पावर बन गई। द ब्रिटिश कैप्चर्ड रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। बंगाल में जितनी भी धन संपदा थी, जितने भी रिसोर्सेज थे, उन सब पर ब्रिटिश ने अपना कब्जा कर लिया। अब ब्रिटिश ने, क्योंकि ये पहला वॉर था जो ब्रिटिश इंडिया में जीता था, तो इससे उसकी प्रेस्टीज और पावर, यानी कि उसकी ताकत में और उसकी इज्जत में भी बहुत बढ़ावा हुआ ब्रिटिश की। सो द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस। बैटल ऑफ प्लासी बहुत फेमस हो गया क्योंकि ये सबसे फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी ब्रिटिश की जो उन्होंने इंडिया में जीती थी। नाउ बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी के बाद आता है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि लड़ा गया था 1764 में। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो मीर जाफर, जो कि अब नवाब ऑफ बंगाल बन चुका था, उनसे ऐसी डिमांड करती थी कि वो पूरी ही नहीं कर पाता था उनकी डिमांड। तो इसीलिए ब्रिटिश ने उसे नवाब के पद से हटा दिया और मीर कासिम, जो कि उसका सन इन लॉ था, उसका दामाद था, उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम जो था वो थोड़ा अलग टाइप का था, वो कठपुतली नहीं बने रहना चाहता था ब्रिटिश की। वो चाहता था कि मैं अपना इंडिपेंडेंट हो जाऊं और अपनी मर्जी से बंगाल में शासन करूं। तो उसने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए, उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे ब्रिटिश को गुस्सा आ गया। सबसे पहले तो उसने अपनी जो कैपिटल थी, उसकी जो कैपिटल थी बंगाल की, वो थी कैलकटा, लेकिन उसने कैलकटा से वो अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी मुंगेर में। मुंगेर नाम की जगह पर उसने कैपिटल शिफ्ट कर दी और उसने अपनी आर्मी को भी और ताकतवर बनाना शुरू कर दिया यूरोपियंस की हेल्प से, जिसकी वजह से ब्रिटिश को गुस्सा आ गया। बाद में उसने जितने भी टैक्सेस थे इनलैंड ट्रेड के, वो सब एबॉलिश कर दिए, वो सब खत्म कर दिए। यानी कि अब सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं, जो भी व्यापारी होते थे बंगाल के, वो बिना टैक्स के ट्रेड कर सकते थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से ब्रिटिश को गुस्सा आया कि ये अपनी मनमानी कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है। तो इसकी वजह से उन्होंने मीर कासिम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और क्योंकि ये युद्ध बक्सर नाम के एक मैदान में, बक्सर नाम की जगह पर लड़ा गया था, इसीलिए इसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। तो ये युद्ध ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच में लड़ा गया था। मीर कासिम ने अपनी साइड अवध के जो नवाब थे, यानी जो यूपी का जो एरिया होता है वो अवध कहलाता है, तो अवध के जो नवाब थे शुजाउदुल्ला, और उस टाइम जो मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकेंड, उनको उसने, मीर कासिम ने अपनी साइड मिला लिया था। लेकिन इतनी बड़ी आर्मी थी तीनों की मिलाकर, जो कंबाइंड आर्मी थी, वो भी मिलकर ब्रिटिश को डिफीट नहीं कर पाई, हरा नहीं पाई, और वो खुद ही हार गए। तो जब वो हार गए तो मीर कासिम तो भाग गया दूसरी जगह अपनी जान बचाकर। जो नवाब ऑफ अवध थे शुजाउदुल्ला, उन्होंने, और शाह आलम सेकेंड जो कि मुगल एम्परर थे, उन्होंने ब्रिटिश के साथ एक संधि की, एक ट्रीटी साइन की, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इन 1765। इस ट्रीटी की वजह से ब्रिटिश को सारे राइट्स मिल गए, सारे अधिकार मिल गए रेवेन्यू कलेक्शन के, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह पर अब जितना भी टैक्स लोग देंगे वो ब्रिटिश कलेक्ट कर सकते हैं। ये उनको अधिकार मिल गए थे इस ट्रीटी की वजह से। इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश के पास ज़्यादा पैसा आने लग गया, तो उनकी फाइनेंशियल पावर और ज़्यादा बढ़ गई।